अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये अभी हम लोग ये एंट्रेंस है जी पाछे मस्जिद की। ये मेरी राइट साइड जो वाइट बिल्डिंग है ये गुरुद्वारा है। आपको गुरुद्वारा भी दिखाते हैं, अंदर जाने की तो इजाज़त परमिशन नहीं है, बाहर से ही आपको दिखाएंगे। ये जी वो सिख लोग भी बैठे हुए, हर तरफ गहमा गहमी है, लोग बच्चे स्कूल की ट्रिप्स वगैरह आ रही हैं। हम तो भाई पहले बादशाह मस्जिद चलें या पहले शाही किला चलें? पहले बादशाह मस्जिद भाई चलते हैं। चलें जी। ये जी लेफ्ट साइड पे टोटल जितनी दीवार नज़र आ रही है ये सारी शाही किले की है, और ये पता नहीं आज से कितने सौ साल पहले की ये दीवारें बनी और ऐसी कैसी ही हैं। ये जी हम लोग बादशाह मस्जिद पे आ चुके हैं एंट्रेंस गेट पे, तो अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। हम तो आपको पता है ये बादशाह मस्जिद के बिल्कुल साथ ही वो सामने जो मज़ार है वो लामा इकबाल का है, जो शायर मशरिक। हाँ जी बिल्कुल। हमजा भाई अब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, चलते हैं जी बादशाह मस्जिद के अंदर, बहुत वसी है अंदर से। और जी हमजा भाई मस्जिद के अंदर चलते हैं। वाह दिल भाई कमाल का सीन है। ओए होए तो भाई बड़ा सीन आ रहा है। ये जी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूख कुछ तबरकात पड़े हुए हैं, तो उनकी ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। पता नहीं अब इधर मोबाइल अलाउ है या नहीं है, पता कोई नहीं है। ये सामने हजरत की फिल्म मार के जब काबिज करते हैं लोग इस दुआ को बड़े के लाने बताया तो दुआ हो गया जी जी। ये बात रज दिन है जिसमें रात का दिन है मुकद्दर मान देना है लोग जो दुआ मांगो इंशाल्लाह पूरी अल्लाह का सामने और कामयाबी आता। आमीन आमीन। हम ये बेटा अपने हाथ ना मेरी बात सामने मत चला गला बेटा 100-500 दाद की कोई बात नहीं, एक पत्थर आपके नाम पर लगेगा आपको भी आके मेरी बात का सवाब मिलता रहेगा। एक लाइन जो बेटा जाओ एक लाइन जी 30 कुरान पाक है जो हाथ से लिखे गए हैं, एक एक पारा अलग अलग हाथ से लिखा गया। और हमजा ये सुनने में था ये सोने में लिखा गया, सोने से लिखा हुआ। क्या बात है भाई। और ये एक आदमी ने लिखा है अपने हाथों से। क्या ही बात। 5 तोले सोना लगे इसमें। जल्दी आओ।
चल रहा है, तो फिलहाल वक्त तो ये बंद है, ट्राई करते हैं। भैया सर एक मिनट सिर्फ, एक मिनट सिर्फ, रिपीट नहीं सर, जस्ट वन मिनट, जल्दी करो यार, जल्दी करो, और भी लड़के आ रहे हैं। शुक्रिया जी भैया। ये देखिए कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो अंदर जाने दे रहे थे। हमजा भाई इधर चलते हैं भाई। हमजा भाई ये जो इस साइड पे एरिया है ना जी भाई, जो ओल्ड से ओल्ड बिल्डिंग्स है ना जी जी, उन्होंने इसको मतलब उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके उनको रेस्टोरेंट की शेप दे दी है। हाँ जी। ये रात के वक्त इतना मतलब के खुशगवार माहौल होता है ना, देखने के काबिल होता है। वाओ। लाइटिंग शाइटिंग मतलब बड़ा पुरस्कोन एरिया बनता है। और ये देखो उधर ये सारे रेस्टोरेंट हैं। हाँ जी, ये देखें रेस्टोरेंट, इनकी इनकी टॉप फ्लोर पे जाके लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, सारा कुछ इंजॉयमेंट करते हैं फैमिली के साथ आके। और ये बिल्डिंग भी सारी ओल्ड ही लग रही है। हाँ वैसी है, इन्होंने बस इसको ना डेंटिंग पेंटिंग करके सारा सेट किया हुआ है। और तो आगे चलते हैं जी जी। ये मंजर मतलब देखने मिलता रात का। हाँ जी, फुल लाइटिंग में फुल बड़ा बड़ा एंजॉय होता है। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में बंदा अकेला सूट भी नहीं करता।